आज सीखेंगे भिन के जोर, वो तो दो टॉपिक था भिन के जोर, अब तीन अंक वाला सीखेंगे, तीन अंक वाला भिन के जोर। देखो पहला नंबर सवाल हमारा की है चार बटे तीन प्लस पाँच बटे तीन प्लस छः बटे तीन। सवाल हेडिंग क्या भिन के जोर, दो दिन से क्लास पे नहीं डाल रहे थे वीडियो पे, हमें कहीं बाहर गए थे इसलिए डाल नहीं पाए थे, आज से रेगुलर डालेंगे। पहला नंबर सवाल हमारा क्या है, देखो अंश बटे हर है, किया अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश नहीं सेम है ना हर सेम, दोनों अलग अलग है ना, अंश सेम है ना हर सेम, अलग अलग है, इसलिए ये तीनों को पहले क्या करेंगे, लोसो निकालेंगे। सबसे पहले तीनों का लोसो निकालेंगे, तीनों का एक दो तीन बोल, तीनों का लोसो पहले निकालेंगे। लोसो कितना निकालते, तीन कोमा तीन हमारा हो गया। आप इसको देखो कैसे खा रहा, दोस्तों नहीं खाएगा, तीन से खाएगा, तीन से एक बार भाग देंगे एक आएगा, तीन काम तीन के बार में, एक बार में नहीं, फिर यहाँ कोमा एक होगा। अब तीन गुना एक करेंगे कैसे होगा, तीन गुना एक गुना एक गुना एक गुना एक कितना आ जाएगा तीन, अरे एक गुना एक करेंगे तो क्या होगा, तीन गुना करेंगे तो तीन आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा लोसो हमारा तीन। ये जो तीन से ही तीन में हम क्या करते हैं भाग देते हैं, ये तीन में हम भाग देते हैं, तीन से तीन में हम भाग देते हैं, तीन एक बार में खाया ये जो आया भाग फल ऊपर वाला से गुना करते, चार से गुना होगा तो चार गुना एक करेंगे कितना होगा, चार गुना एक तो चार हो जाएगा, चार गुना करेंगे तो चार होगा, ठीक है, चार गुना करेंगे तो चार प्लस कथी का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देंगे। आप देखो फिर तीन से तीन में भाग देंगे, ठीक है, तीन में तीन से फिर भाग देंगे, देते तीन में तीन भाग, तीन से तीन में भाग दिए, के बार में खाया एक बार में खाया, फिर ऊपर वाला से गुना करेंगे, पाँच गुना एक करेंगे कितना हो जाएगा हमारा पाँच, पाँच गुना एक करेंगे तो पाँच हो जाएगा, पाँच इसके सामने लिख दिए। आप कथी का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस का प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, यहाँ कथी का चिन्ह होगा हमारा प्लस का चिन्ह, ठीक है। फिर अभी बचा फिर तीन का तीन में भाग देंगे कितना का भाग पास हमारा एक, छः गुना एक करेंगे कितना होगा छः, कितना होगा छः, समझ गया था, कितना किसी को दिक्कत। आप सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, पाँच चार नौ कितना था, पाँच चार नौ, नौ छः कितना था पंद्रह, नौ और छः जोड़ कितना था नौ प्लस छः, नौ प्लस छः कितना का पंद्रह, कैसे ये भी पूछेगा कैसे, पहले नौ भी लिखा जाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पहले गिन लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर यहाँ डिंड बिंदा दो, ठीक है। अब क्या वो डिग्री खाँचो छो, एक दो तीन चार पाँच छः क्या वो तीन तीन छः, आप सबको काउंट करो, एक दो तीन चार नौ को है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह पूरी गया हमारा कितना आंसर, पंद्रह बटे तीन, पंद्रह बटे तीन कितना आया पंद्रह बटे तीन, तीन का हम पंद्रह के बार में पाँच बार में, तीन पचे पंद्रह पाँच बार में हमारा आंसर कितना आया पंद्रह पाँच, आंसर कितना आया पाँच। देखो बटे नीचे में एक नहीं लिखते का एक के मान कुछ नहीं होता, इसलिए अगर ऊपर एक रहता तब एक बटे पाँच हो जाता, नीचे वाला एक आएगा सीधा पाँच ही रह जाएगा, ठीक है, पाँच पाँच आंसर आ गया हमारा, पाँच आंसर आ गया, सीख गया नहीं सिखाओगे और सिखाएंगे, जब तक सिखाएंगे तब तक छोड़ेंगे, एक बार बोर्ड एक बार क्लीन से देख लो। एक नंबर सवाल था, ठीक है, तुम सबको लिखना नहीं है, लिखेगा तो लिख भी लेना, एक गुना करेगा तो पाँच गुना करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गया बाबू, देख लो बोर्ड को। हो गया होगा, चलो मिटाते हैं, ठीक है, अब मिटा रहे हैं, बंद कर, ठीक है, आठ बटे चार प्लस तीन बटे चार प्लस दो बटे तीन देते, ठीक है, संख्या चेंज हो गया, संख्या चेंज हुआ, इसमें सेम है, ये दोनों में सेम है, चार चार है तीन है। आप सबसे पहले हम की बताए थे, सबसे पहले लोसो बताए थे निकालने, सबसे पहले लोसो जिसका सही नहीं होगा तब तक जिनका जोर नहीं बनेगा, सबसे पहले हम लोसो निकालते हैं, ठीक है, चार चार तीन का लोसो निकालेंगे, चार कोमा तीन, केस खा रहा है दूस खा रहा है दुकान चार है, पहले छोटा सन्यास खिलाते हैं, छोटा सन्या खाएगा फिर उससे छोटा, फिर पहले छोटा से छोटा फिर दूस नहीं खाएगा, फिर तीन से खिलाएगा, तीन से लगा चार से पाँच से कोई खा जरूर खाएगा, पर दूस खा रहा हमारा तो छोटा दूस खिलाएंगे, दुक्का दो दूनी चार, फिर दो कोमा तीन हो जाएगा, फिर दूस खा रहा एक गुना एक गुना एक गुना तीन। अब इसका लोसो कितना होगा पूरा का, काम गुना करो क्या को दो है, दो गुना एक गुना एक गुना एक गुना तीन, ये नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन तुम समझा लेंगे लिख देते हैं, नहीं बहुत बच्चा नहीं समझ पाता नहीं पकड़ पाता है, दूधनी चार चार गुना एक चार, फिर चार गुना एक चार, चार दिया बारह, लोसो हमारा कितना आया बारह, यहाँ लोसो बराबर लिखेंगे बारह,
आप बताओ चरकाम बारे के बारे में तीन ये वाला नीचे भाग देता, जिसको नहीं पता चरकाम बारे तीन बार में, जिसको नहीं पता चार से बारह में भाग दे दो, डायरेक्ट चार से बारह में भाग देती है, चारतिया बारह, तीन बार में खाया, ये जो भाग फल में तीन आया ऊपर वाला से गुना होता है, अठकांक तीन बार गुना करो, अठकांक आठ सोलह आठिया चौबीस, अठकांक तीन बार पढ़ो कितना का चौबीस, कथी का सीन है चौबीस प्लस प्लस का चिन्ह प्लस, अब फिर वही है चरकाम बार के बाद तीन बार तीन गुना तीन कर कितना जगह तिनतिया नौ, तिनका तीन दिन पढ़ो तिनका तीन दिन छो तिनतिया नौ, अब बताओ तिनका में बार के बार में तीन से फिर बारह में भाग दो, तीन से फिर बारह में भाग दो, सीधी से बात है तीन में बारह में भाग दे दो, नहीं जानता सीधा तिनका तीन तीन छो तिनतिया नौ तीन चौक बारह के बार में है चार बार में, चार बार में जब भाग फल है ऊपर से गुना कर दो, चार दुनी आठ कथी का चिन्ह है, ये हमारा कथी का चिन्ह है प्लस का, प्लस आठ, आठ का चिन्ह दे दिए, अब मिटा दो इसको, हो गया सीख गया समझ गया अगर मिटा तीन, ठीक है हो गया, अब सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, चौबीस नौ कितना आता है चौबीस नौ, नौ चार तेरह, तेरह बकिया एक दो तीन तैतीस, तैतीस में फिर आठ जोड़ो, तैतीस में आठ जोड़ो, आठ तीन ग्यारह, आठ तीन कितना आता है ग्यारह, बकिया एक तीन एक चार, इकतालीस बटे बारह कितना आंसर इकतालीस बटे बारह, कट नहीं रहा है हमारा आंसर कितना आ जाएगा इकतालीस बटे बारह, आंसर कितना आया इकतालीस बटे बारह, इसको पूर्णांक में भी ला सकता है, पूर्णांक में ला के देखो बारह से इकतालीस में भाग दो, बारह से इकतालीस में भाग, बारह चौबा तो छत्तीस, बारह चौकर बारह बार चौबा तो छत्तीस के बार में छत्तीस तीन बार में ग्यारह में से छो कटे कितना दो दो चार छो पाँच, की हो जाएगा पूर्णांक वाला देखो कितना का पूर्णांक की होगा बत्तीस तीन पूर्णांक पांच बटे बारह, आंसर पूर्णांक में आ गया, ठीक है समझ गया, बोर्ड के बारे में साफ से देख लो, दो नंबर सवाल अभी भी नहीं सिखा होगा बहुत बच्चा, हमको पता है नहीं सिखा, और सिखा जब तक सीखेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, पता जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही बात है जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको तब तक छोड़ेंगे नहीं, दस आ गया ठीक है, आप बोल रहे हैं जो दोस्त दस जो लॉस आया पांच जो नीचे बटे में आया ये बटे वाला इससे भाग देंगे दस में, पांच से दस में भाग देंगे, तो भाग देने के लिए पांच से दस को भाग दे दिए, चलो देखो भाग दे दिए, अब पढ़ो पांच काम दस के बार में, पांच दूनी दस दो बार में है, पांच दूनी दस दो ठीक है दो है, तो दो जो आया ये भाग फल ऊपर वाला से गुना करते हैं, चार दूनी आठ हो जाएगा, कितना हो जाएगा चार दूनी आठ प्लस कथिक चिन्ह है प्लस का चिन्ह, ठीक है इवरा मिटा दे बाबू मिटा देते ठीक है देखने में अच्छा लगेगा, अब फिर पाँच से दस में भाग देंगे तो बाद उतने आएगा दुए आएगा, तो तीन गुना दो कर देंगे, तीन गुना दो कर दिए, ये जो ऊपर वाला बटन तीन है दो कर दिए, तीन दूनी छो तो छो हो जाएगा, ठीक है दस से दस में भाग देंगे भाग फल हमारा कितना आएगा एक, बोले कैसे सर तो देखिए सर दस में दस से भाग दिए, ठीक है दस से दस में भाग दिए, दस के बार में खाया बाबू एक बार में, दस का एक बार पड़ेगा तो दस के बार में रहे, तो दस गुना एक गुना एक करेंगे तो एक होगा, सबसे पहले कथी का चिन्ह है चीन पर नजर लगा रहा हूँ चीन पर नजर, चीन कथी है प्लस के दस गुना एक करेंगे भाग पर कितना एक, एक गुना एक करेंगे तो एक कितना आएगा एक, ठीक है एक, आप बोलो की करेंगे रे जोड़ेंगे सबको, क्या करेंगे जोड़ेंगे, पहले जिसको जोड़ने नहीं आता है सबसे पहले लकीर खींच देंगे, ठीक है क्या करेंगे लकीर खींच देंगे, आठ गो है आठ गो खींचते एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, गिन लो कौन पहले कर लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आप देखो गणेश जी का गो लड्डू दे देते बीच में, ठीक है गणेश जी को लड्डू दे दिए, आप देखो के गो छो गो एक दो तीन चार पाँच छ छो पूरा दो दो चार दो छो, अब फिर प्लस का चिन्ह फिर वो लड्डू देते प्लस के बदला में लड्डू देने गणेश जी, अब एक
अब सबको जोड़ लेगा अच्छा से, गिन लेगा पहाड़ा तो जानता होगा गिनती एक से लेके सो तक, एक आठ गो है, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, नौ आठ छः चौदह, एक होगा कितना जगह हमारा पंद्रह बटे दस, कितना का पंद्रह बटे दस, ठीक है पंद्रह बटे दस आ गया। अब देखो पंद्रह का पंद्रह और दस कौन खोरा में, तीन में तो पंद्रह है दस तो ना है, दो में दस है तो पंद्रह ना है, तो पाँच में पंद्रह और दस है, पाँच में पंद्रह दस है, पाँतिया पंद्रह पाँच दूनी दस, कितना आ जाएगा तीन बटे दो, ठीक है तीन बटे दो। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे, तीन से दो से भाग देंगे, दुक्का दो एक बार में, के बार में भाग पर एक, कितना आया रे हमारा कितना आ जाएगा एक पूर्णांक एक बटे दो, कितना आया एक पूर्णांक एक बटे दो, गुना देगा इसको पूर्णांक फिर से उतने पूछ जाएगा, देखो दो गुना करेगा तो दो, दो बार गुना करेंगे ई वाला ऊपर से गुना था, दो गुना एक दो ऊपर वाला जुटता है, दो एक तीन हो गया ना, तीन पूर्ण तीन बटे दो बटे हो गया ना, समझ गया ना, यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत ना, एक बार बोर्ड क्लीन से देख लो अच्छा से सोच समझ के, समझ गया हमारा हेडिंग है भिन्न का जोर, क्या भिन्न का जोर सीखा ना, सिखाएगा और सिखाएंगे, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना, जब तक दस कितना आया पांधुनी दस, ठीक है अब इसका लोसो कितना है हमारा दस, कितना आया दस, ठीक है दस आया। आप बताओ दस कहां से दस में भाग दो, ये वाला जो बटे में है दस पांच में दस, ये जो बटे में दस है ये दस से भाग देते हैं, लोसो से भाग देते हैं, दस से दस में भाग दिए, ठीक है हमारा दस में दस भाग दिए, भाग पर कितना आया एक, ये जो हमारा एक आया ऊपर वाला से गुना करते, पांच गुना करेंगे तो पांच होगा, ठीक है पांच गुना करेंगे तो पांच होगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे, ठीक है आप फिर वही है भाग पर कितना बनाए एक के है, छो गुना करेंगे तो छो होगा, आप प्लस का चिन्ह देंगे प्लस, फिर वो उतने भाग पर बनाए सात गुना करेंगे कितना का सात, ठीक है आप बोलेगा सर जोड़े कैसे, तुम सब बोलेगा सर जोड़े कैसे, जोड़ते कैसे है तुम्हारा सिरा मजबूत है तो जोड़ेगा कहाँ से, पहले सिरा मजबूत करो, इसलिए अब जोड़ेंगे, ठीक है अब जोड़ेंगे, ठीक है आसान तरीका जिसको नहीं जानता सबसे, पांच को पहले खींच देते लगे एक दो तीन चार पांच, आप देखो प्लस की जगह गणेश जी का लड्डू दे दो, ठीक है आप कहती है छो छो खींचते एक दो तीन चार पांच छो, क्या बोल छो, आप गणेश जी का लड्डू एक और दे दो, आप देखो क्यों बचा सात को लास्ट, एक दो तीन चार पांच छो सात, आपने बचा तीन तीन छो एक सात, आप सबको जोड़ो पांच है छो सात आठ नौ दस ग्यारह, छो पांच ग्यारह होता है ना ग्यारह हुआ, आप ग्यारह और सात जोड़ो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, ग्यारह सात कितना था अठारह बटे दस, हमारा कितना आया अठारह बटे दस, अठारह बटे दस लिखते हैं, ठीक है अठारह बटे दस, कितना आया अठारह बटे दस। आप देखो दुक्का में अठारह दस है दुक्का में अठारह दस है, दुक्का में अठारह के बार में नौ बार में, ये तो नौ बार में कट गया दस पांच बार में, आंसर कितना आया नौ बटे पांच, इसी को बोलेंगे पूर्णांक बदलो रे बाबू, कैसे बोले पांच से नौ में भाग देना की देना रे, पांच से नौ में भाग, पांच का पांच एक बार में खाया एक, नौ से पांच करे कितना का कितना करे, नौ से पांच तीन दो पांच चार, कितना आ जाएगा कितना करे चार पूर्णांक, ये जो भागफल बनाया पूर्णांक में एक पूर्णांक चार बटे पांच, पांच चार पांच चार नौ बटे पांच पूर्ण गया, पांच जुला कर पांच चार जोड़े नौ बटे पांच, समझ गया ना, तक किसी को समझ में कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या बेस मजबूत करो, सबसे पहले घर बनाते की करते बेस मजबूत करते, पीला ढालते हैं पहले नीचे ढाल अच्छा से, ना बता कोती देंगे क्या बोलता उसको जाल ही देंगे तो मजबूत होगा, तब ना एक माला दो माला दो माला तीन माला तीन तीन माला चार माला ठोकेगा, इसलिए पहले सबसे जरूरी बेस मजबूत करना, जब तक बेस तुम्हारा मजबूत देगा तब तक नहीं बनेगा, इसलिए बेस मजबूत करो। आप बोर्ड के बाद अच्छा से देखो किन से हिसाब से, ये जो लाया है तीन लिखे थे कितना का तीस, कति का चिन्ह रे प्लस का, कति चिन्ह प्लस का, तो प्लस का चिन्ह देंगे। आप देखो अटका फिर चालीस अटका से चालीस में भाग दो, अट पंच चालीस अट पंच
आठ पंचे अटका अटकाम पर क्या बनता है अटका अटका 16 तो 24 32 40 पांच बार में कितना 5 5 गुना 4 करेंगे 4 गुना 5 4 5 20 20 होगा कितना होगा 20। आप देखो 10 का हम 40 के बार में 10 से 40 में भाग दो पता चल जाएगा 10 का 10 20 30 चौक 40 4 बार में 4 4 गुना 3 करो 4 गुना 3 4 3 12 3 करेंगे कितना होगा 4 गुना 3 4 3 12 कितना है 12 ठीक है। अब सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे सबको 30 दुए को जोड़ के देखते 30 प्लस 20 जीरो तीन दो पाँच अब कौन बच गया 12 12 में 50 में बड़ा 12 जोड़ कितना होगा 2 5 एक 6 कितना 62/40 62/40 कितना आया 62/40 के बार में कट रहा है 2 से कट रहा है ना 62/40 दुक्का 2 द्वितीया 6 2 1 30 31 31 जोड़ो 62 पुर रहा है 31 31 जोड़ को देखो 3 दुनी 1 1 2 3 दुनी 6 पुर गया 31 से 62 सब लोग सही हम काटे ठीक है। 40 के बाद 20 बार में 20 20 जोड़ 40 पुर रहा है 20 जोड़ 20 पुर नहीं गया समझो सही कटा है के बार में कटा 20 बार में 31 20 कट रहा है कोई खड़ा से नहीं कटेगा कितना आंसर आएगा हमारा 31/20 कितना आया 31/20 समझ गया। अब इसको पूर्णांक में लाओ के बार में खाया एक बार में के बार में एक बार में एक कितना आ जाएगा एक पूर्णांक 11/20 एक पूर्णांक 11/20 20 गुना 1 करेंगे 20 20 पूर्ण गया समझ गया समझ में आया था किसी को दिक्कत। आप कल का क्लास स्टार्ट करेंगे कल नया क्लास स्टार्ट करेंगे यही चीज़ सिखाएंगे कल लेकिन दूसरा सिखाएंगे ठीक है। यहाँ तक जब तक ने 4 से 8 10 तक दिए कल 12 14 15 16 20 तक सिखाएंगे समझ गया कोई दिक्कत यहाँ तक बोल के बाद देखना अच्छा से।